गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी. गुड इवनिंग. सो लेट्स कंटिन्यू सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. द नेक्स्ट 3D ऑब्जेक्ट इज अवर सिलेंडर, जिसको राइट सर्कुलर सिलेंडर भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? 90 डिग्री का एंगल होता है. कहां? उस सिलेंडर की हाइट में और बेस के रेडियस में 90 डिग्री का कनेक्शन होता है. अब वो कहां कहां है अभी बताते हैं. ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर हमारे कोर्स में है ही. राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो जहां जहां हम सिलेंडर कहेंगे वहां वहां वो ऑब्वियसली क्या होगा? राइट सर्कुलर सिलेंडर. लेकिन इसके अलावा और सिलेंडर्स भी होते हैं जो राइट सर्कुलर सिलेंडर्स नहीं होते हैं, बट वो हमारे कोर्स में नहीं है. ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं कि सिलेंडर बनता कैसे है ना. तो एक इमेजिन करना ना, या फिर एक किसी के पास रफ शीट है, पेज है, पेज नोटबुक का कोई पेज हो फटा हुआ है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो, पूरा कंप्लीट शीट हो. हाँ हाँ, एक पेज दे दे मुझे. चल यही दे दे, पूरा ही दे दे, पूरा ही दे दे, फाड़ मत उसको. डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देते हैं इसमें से एक बिट. ये रेक्टेंगल है, दिख रहा है सबको? कुछ है थोड़ा ना पीछे. ये रेक्टेंगल है, दिख रहा है सबको? ये इस रेक्टेंगल की लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है. अगर इस रेक्टेंगल को मैं लेंथ वाइज ऐसे घुमा दू, घुमा के और इस वाली एज को इस वाली एज से पेस्ट कर दू, लाइक दिस, तो एक सिलेंडर बनेगा? बनेगा नहीं बनेगा. अब आप इमेजिन करना ना, सोच के बताना कि जो पहले रेक्टेंगल की लेंथ थी वो इस सिलेंडर में अब क्या है? CSA. नहीं देखो, लेंथ क्या थी? लंबाई थी. CSA एरिया है, तो लंबाई एरिया नहीं बन सकता. लंबाई तो लंबाई है. वेरी गुड, सरकमफेरेंस. देखो ये लंबाई थी इसकी पहले, ये पूरी लंबाई थी. इधर देखो ये लंबाई थी, ये लंबाई अब सिलेंडर के अंदर इसके सर्क्यूलर बेस का सरकमफेरेंस बन चुका है. बन चुका है. सरकमफेरेंस क्या होता है? सर्किल की बाउंड्री का सम. ये सर्किल है, इसका सर्क्यूलर बेस है, ये दिख रहा है, ये सर्क्यूलर बेस है. तो ये सर्कुलर बेस की बाउंड्री का सम जो है, ये पहले लेंथ था, ये पहले क्या था? रेक्टेंगल की लेंथ था. अब क्या बन चुका है? सर्कमफ्रेंस. और जो रेक्टेंगल की पहले ब्रेथ थी वो सिलेंडर की अब क्या बन चुकी है? हाइट बन चुकी है. क्या बन चुकी है? तो फॉर्मेशन तो ऐसे होता है, एक रेक्टेंगल से होता है. कोई भी पूछे सिलेंडर का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो कैसे होता है? एक रेक्टेंगल से होता है. रेक्टेंगल की को लेंथ वाइज या चाहो तो ब्रेथ वाइज भी कर सकते हैं. ब्रेथ वाइज वैसे सिलेंडर बना सकते हैं ना. किसी भी एक साइड हम उसको घुमा के और एज से एज पेस्ट कर दें तो क्या बन जाएगा? एक सिलेंडर बन जाएगा. लेकिन अगर कोई कहे सिलेंडर का बेस क्या होता है, तो सिलेंडर का बेस एक सर्किल होता है. क्या होता है? देखो दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है. पहला क्वेश्चन, रेक्टेंगल का फॉर्मेशन किससे होता है? फॉर्मेशन तो रेक्टेंगल से होता है. सिलेंडर का फॉर्मेशन किससे होता है? रेक्टेंगल से. सिलेंडर का फॉर्मेशन हो गया, होने के बाद उसका बेस क्या है? उसका बेस सर्कल है. उसका बेस क्या है? सर्किल है. तो फॉर्मेशन रेक्टेंगल से, बेस सर्किल. इज दैट क्लियर? तो इसीलिए सबसे पहले वहां लो, रख लो, रखो, फिर ऐसे ही कोन में भी करके बताएंगे कि कोन का फॉर्मेशन कैसे हुआ. तो इसीलिए वहां पे आपको सबसे पहले एक रेक्टेंगल दिख रहा है ना, फॉर्मेशन करके बताने, डिमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश की गई है कि सपोज करो ये एक रेक्टेंगल है, दिख रहा है? ये इस रेक्टेंगल की लेंथ है, दिख रही है, और इस रेक्टेंगल की ब्रेथ. अब इस ये वाली ब्रेथ, ये जो एज है, इस एज को घुमा के और ये इस एज से अगर मैं पेस्ट कर दूं लाके, ठीक है, इसको घुमा के इससे मैं पेस्ट कर दूं, तो कुछ नीचे जैसा फिगर दिख रहा है, सिलेंड्रिकल फिगर वैसा बन जाएगा? बन जाएगा, बोलो. ठीक है, अब देखो ये पहले इसकी ब्रेथ थी, इधर आने के बाद ये इसकी हाइट बन गई. क्या बन गई? तो देखो बी बिकम्स एच, बी विल बी ट्रांसफॉर्म्ड टू एच. ठीक है, और जो पहले उसकी लेंथ थी वो लेंथ अब सर्क्यूलर हो चुकी है. क्या बन चुकी है? सर्क्यूलर हो चुकी है, और सर्किल की बाउंड्री बन चुकी है. सर्किल की बाउंड्री बन चुकी है, और सर्किल की बाउंड्री को हम क्या कहते हैं? सी, मतलब सर्कमफ्रेंस, या फिर फॉर्मूला वाइज कहें तो 2πr. सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2πr. तो कल को अगर आपको कह दे कि भैया एक रेक्टेंगल से एक सिलेंडर बनाया गया है और रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ ये थे, तो आपको बनने के बाद पता लगाना पड़े कि बनने के बाद इस
सिलेंडर की हाइट और रेडियस क्या क्या बनेंगे, तो कैसे पता लगाएंगे? जो उसकी पहले ब्रेथ थी वो तो हाइट बन जाएगी सीधे सीधे, और जो पहले इसकी लेंथ थी वो क्या बन जाएगा, वो 2πr बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, सर्कमफ्रेंस बन जाएगा 2πr, और वहां से रेडियस पता कर किया जा सकता है। तो बनने के बाद पता चल जाएगा कि बने हुए सिलेंडर की रेडियस क्या है और हाइट क्या है। क्लियर है, समझ में आया? अब सिलेंडर तो ये बन गया, पहले इतना नोट करो, ये फॉर्मेशन भी अच्छे से नोट करो, और कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज आस्क। बस ऊपर तो हेडिंग ही है और क्या, स्क्रॉल करो। सिलेंडर, दूसरा नाम राइट सर्कुलर सिलेंडर। सबसे पहले रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की लेंथ है हमारे पास, रेक्टेंगल की ब्रेथ भी है हमारे पास। ट्रांसफॉर्म किया हमने उसको, तो क्या बना वो, सिलेंडर बना। सिलेंडर रफली देखो, 3D ऑब्जेक्ट है तो पूरा तो बना नहीं पाएंगे अच्छे से, जुगाड़ लगा के कैसे बनाएंगे? देखो एक रेक्टेंगल बना देना, और रेक्टेंगल बनाने के बाद यहाँ पे एक सर्कुलर बेस लाइक दिस, और यहाँ पर भी एक सर्कुलर बेस लाइक दिस, और इसके मिड पॉइंट को इसके मिड पॉइंट से कनेक्ट कर देना, दैट विल बी योर हाइट। ठीक है, ये एरो का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन। जो ब्रेथ थी वो ट्रांसफॉर्म होके क्या बन गई, हाइट बन गई। जो लेंथ थी वो ट्रांसफॉर्म होके क्या बन गई, सर्कमफ्रेंस, जिसको अपन 2πr कहते हैं। हाँ, क्योंकि सर्किल का सेंटर जो होता है वो O होता है। अभी सर्क्यूलर है ना, ये सर्क्यूलर है, अभी दिख नहीं रहा 2D प्लेन पे, वो दिख नहीं रहा कि ये सर्किल है, पर एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट का बेस पूरा एक परफेक्ट सर्किल है। पूरा परफेक्ट क्या है, सर्किल है। आपको बिल्कुल एक क्लासिक एग्जांपल, वैसे तो पानी की टंकी भी क्लासिक एग्जांपल है ही सही इसका, जो हमारे घरों के छतों पे रहती है ना, व्हाइट कलर की, ब्लैक कलर की, और नहीं तो अनाज की टंकी रहती होगी आप लोगों के घर में सिलेंड्रिकल शेप में, उसका आप बेस चेक करना, पूरा एक परफेक्ट सर्किल होगा अगर देखी हो तो। नहीं हो तो मेरे पास चल, मेरे साथ चलना, भी ऊपर दिखाता हूँ, यही रखी हुई। ठीक है, सब है अपने पास, पूरा सेटअप है। ठीक है, वाटर बॉटल भी सिलेंड्रिकल हो सकती है, लेकिन परफेक्ट नहीं होती वो, क्योंकि क्या होता है, नीचे से तो सर्कुलर बेस परफेक्ट है, ऊपर आते आते वो ऐसे हो जाती है। तो मैंने कब कहा कि एलपीजी सिलेंडर परफेक्ट सिलेंडर है? मैंने कभी नहीं कहा परफेक्ट सिलेंडर नहीं है, वो भी परफेक्ट सिलेंडर नहीं है मेरी नजर में। तो वो अनाज की टंकी से परफेक्ट सिलेंडर कोई है ही नहीं, पानी की टंकी भी नहीं है, अनाज की टंकी नहीं, जिसमें अनाज रखते हैं, स्टोर करते हैं, गेहूं स्टोर करते हैं। अच्छा, अनाज एक ही जानते हैं आप, तो गेहूं अनाज है, और तो कोई अनाज होता ही नहीं है ना। क्यों, बाजरा और ये मक्का का नहीं खाते आप लोग? तो वो भी अनाज ही है, तो वो अनाज ही तो, और क्या है भाई। चलो ठीक है, गेहूं ही खाओगे आप लोग। गेहूं वैसे इंडियन ग्रेन नहीं है, आपको बता दूं, अमेरिकन ग्रेन है, हमने कॉपी किया अमेरिका को। इंडियन ग्रेन पता है क्या है, ज्वार, मक्का, बाजरा। 1980 से पहले, 1980 से पहले हमारे घरों में गेहूं की रोटी तभी बनती थी जब कोई गेस्ट आता था, नहीं तो हमारा जो डेली यूज में खाने वाला जो अनाज था वो ये नहीं था, ये तो VIPO के घर में बनता था, पर अब हमने उल्टा कर दिया। नहीं, अब तो हो गए ना, उस टाइम की बात है। हाँ, जो बेजड़, जो आज अपन हजार हजार रुपये देके चोखी डाणियों में खाते हैं ना, ये हमारा डेली यूज का खाना हुआ करता था। हमारा ओरिजिनल ग्रेन यही था, ये तो अमेरिकन ग्रेन है जो गेहूं हम खाते हैं, कुछ नहीं है, ग्लूकोज बढ़ता है इससे, फैट बढ़ता है। चलो देखो, आ जाओ, बहुत ज्यादा बाहर आ गए। ये बना लिया सिलेंडर। अच्छा जी, इस सिलेंडर में आप देखो, ये सर्कुलर बेस जिसको अपन टॉप वाला बेस कहेंगे, और ये बॉटम वाला बेस है, ये भी सर्कुलर बेस है। बेटा ये वाला बेस और ऊपर वाला बेस एग्जैक्टली सेम होंगे, एग्जैक्टली एक इंच भी इधर उधर नहीं। एक रेडियस, जो मान लो ये 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल है, तो वो भी 5 सेंटीमीटर रेडियस का ही सर्किल होना चाहिए, 4.9 भी नहीं चलेगा, नहीं तो वो सिलेंडर नहीं कहलाएगा। क्लियर, फिर वो फ्रस्ट्रम कहलाएगा, है ना, आगे आएगा भी वो। ठीक है,
इस सर्किल का सेंटर होगा, होगा यानी आप इमेजिन करो वही अनाज की टंकी, उसका जो बेस होगा वो सर्कुलर है तो उस सर्किल का एक सेंटर भी होगा, होगा, और उसका जो टॉप होगा वो भी एक सर्किल होगा, उसका भी एक सेंटर होगा। इस नीचे वाले सर्किल के सेंटर को उस ऊपर वाले सर्किल के सेंटर से मिलाएंगे तो जो मिलाने से लाइन सेगमेंट बनेगी उस लाइन सेगमेंट को कहते हैं इसकी हाइट। क्या है वो, क्या है ये, इसकी हाइट होती है, ठीक है। और ये हाइट इसके बराबर होती है हमेशा, मतलब ये ए से लेके बी तक नाप लो या ओ से लेके ओ डैश तक नाप लो, बात बराबर है। या फिर अगर इधर भी मैं कुछ लेटर मार्क कर दूं तो ये भी बात बराबर, यानी कि ये तीनों बराबर आएंगी, दिस वन दिस वन दिस वन, सिलेंडर में बराबर आएंगे, कोन में बराबर ही नहीं आएंगी ये तीनों। कोन में इधर इधर की सिलेंडर हाइट कहलाती है, बीच वाली हाइट कहलाती है, इसमें तीनों हाइट है। उसका कारण है क्योंकि ऊपर वाला बेस और नीचे वाला बेस सेम है, सेम है तो ये बीच में तीनों सेम है। और जब ऊपर और नीचे बेस छोटे बड़े हो जाएं, छोटे बड़े हो जाएं तो ये हाइट में डिफरेंस आ जाएगा, छोटी बड़ी हो जाएंगी ये तीनों हाइट्स, ठीक है। अभी तो केवल सिंगल हाइट है, इसको कह दो तो ये भी हाइट है इस सिलेंडर की, इसको कह दो तो ये भी हाइट है सिलेंडर की, और इसको कह दो तो ये भी हाइट है सिलेंडर, क्लियर, ठीक है। ये जो सर्किल है, इस सर्किल का जो रेडियस होगा सेंटर से लेके यहां तक ले लो या वहां तक ले लो, ये रेडियस कहलाता है इस सिलेंडर का रेडियस। क्या कहलाता है ये, इस सिलेंडर का रेडियस। वैसे तो ये इसके बेस का रेडियस है, वैसे ये रेडियस किसका है, इस सिलेंडर के बेस का रेडियस है, पर इन जनरल ये इस सिलेंडर का भी रेडियस कहलाता है। मैं कहूंगा सिलेंडर का रेडियस बताओ, दैट मींस सिलेंडर के अंदर जो बेस है ना, सर्कुलर बेस, उसका रेडियस की बात कर रहा हूं मैं, इज दैट क्लियर, ठीक है जी। तो एक सिलेंडर के पास दो डायमेंशन होते हैं, एक होता है रेडियस और एक होता है हाइट। रेडियस क्या होता है, सर्कुलर बेस का रेडियस, ठीक है। और हाइट क्या होती है, नीचे वाले बेस को ऊपर वाले बेस के, नीचे वाले बेस के सेंटर को ऊपर वाले बेस के सेंटर से मिला दें तो वो लाइन सेगमेंट जो बनेगी वो उसकी जो लंबाई होगी यहां से लेके यहां तक वो क्या कहलाएगी, वो उसकी हाइट कहलाएगी। अब कह रहे थे ना राइट सर्कुलर क्यों कहते हैं, क्योंकि सिलेंडर की हाइट और उसके बेस के रेडियस में हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। अगर ये 90 डिग्री का एंगल बनता है तो उसको राइट सर्कुलर सिलेंडर कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे। अब आप कहोगे कि कैसे नहीं बनेगा, तो देखो मैं एक आपको एक फिगर और बना के बताता हूं। देखो सपोज करो ये ऐसे होता, देखो नीचे वाला बेस अभी भी ऊपर वाले बेस के बराबर है, सेम उतना ही सर्किल है, जितना नीचे है उतना ही सर्किल है, बट अब जो इसकी ये हाइट बन रही है और ये जो रेडियस है, इसके बीच में 90 डिग्री से ज्यादा का एंगल दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, मतलब सिलेंडर यू ना हो, सिलेंडर यू हो, समझ में आ रहा है, सिलेंडर यू हो तो वो राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं कहलाएगा, क्योंकि हाइट में और रेडियस में 90 डिग्री का एंगल नहीं है, और इस तरह का सिलेंडर हमारे कोर्स में भी नहीं है। तो जब जब हम सिलेंडर कहेंगे तो ऑब्वियसली वो राइट सर्कुलर सिलेंडर ही होगा, ठीक है। तो बेटा ये भी एक रेक्टेंगल बनेगा फिर, है ना, ये जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, ये चीज भी एक रेक्टेंगल ही बनेगी, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, ये और ये बराबर है और ये रेडियस और रेडियस भी बराबर है, ऊपर वाली भी रेडियस है, नीचे वाली भी रेडियस है। रेडियस को आर लेटर से डिनोट कराएंगे, हाइट को एच लेटर से डिनोट कराएंगे, सेंटर को ओ या ओ डैश से डिनोट कराएंगे, ठीक है। बाकी ये जो और वर्टिसेस हैं, जैसे ये वर्टिसेस, इनको आप किसी भी लेटर से डिनोट करा सकते हो, उसका कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, क्लियर है, यहां तक नोट हो गया, ठीक है। सिलेंडर बनने के बाद रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर आर, लेटर आर है वो इस फिगर के अकॉर्डिंग क्या है, मैं इसको ओ ए भी लिख सकता हूं और मैं उसको ओ डैश बी भी लिख सकता हूं, चेक करो ओ ए और ओ डैश बी, ओ ए ये दिख रहा है, ओ ए इस फिगर के अकॉर्डिंग ये ओ ए या फिर ओ डैश बी, ये ओ डैश है ना, ओ ए या फिर कौन है गेट पे, कोई है क्या गेट, हाँ ओ ए या फिर ओ डैश बी, ये तो दोनों चीजें हो गई मेरी, और लगा दिया मैंने बीच में, ऐसे कहूं या ऐसे कहूं, और लेटर कौन सा डिनोट कराएंगे, आर। हाइट ऑफ द सिलेंडर को मैं क्या क्या कह सकता हूं, बोलो फिगर के अकॉर्डिंग, या तो ओ ओ डैश है ना, या तो ओ ओ डैश या फिर क्या ए बी, ए बी भी कह सकता हूं, मैंने कहा ना ये कह दूं या ये कह दूं, ये तीनों हाइट है, तो इस फिगर के अकॉर्डिंग ओ ओ डैश कह दूं या ए बी कह दूं, दोनों हाइट। चलते हैं अब तीनों फॉर्मूले, सी एस ए, टी एस ए और
वॉल्यूम। शुरू करें, सबसे पहले तो देखो एक चीज सुनो, इसका सीएसए होगा या एलएसए होगा? क्यों? दीवारें कर्व्ड हैं, प्लेन नहीं है। दीवारें कर्व्ड हैं, प्लेन नहीं है। जैसे कल क्यूबॉइड और क्यूब का सीएसए नहीं था, क्या था? एलएसए था। तो सीएसए की बात करते हैं, रामबाण फॉर्मूला लगाओ, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, ये इसका रामबाण फॉर्मूला है। अब इसका बेस क्या है बोलना जरा, इसका बेस क्या है? सर्किल है। तो सर्किल का पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? बाउंड्री का सम। तो सर्किल का पेरीमीटर बोले तो सर्किल का सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्किल का? 2πr, यानी इसकी जगह क्या आएगा? 2πr, और हाइट क्या है? h, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? 2πrh। तो ये हो गया सीएसए ऑफ सिलेंडर, 2πrh, देखो ठीक है। अब बात करते हैं टीएसए की, तो टीएसए का तो एक ही रामबाण फॉर्मूला है, सीएसए पहले निकाल लो और बेस का एरिया उसमें और ऐड कर दो। तो सीएसए पहले निकाल दिया, कितना निकला? 2πrh निकला ना, अभी देखा हमने 2πrh निकला, और उसमें हमको क्या करना है? एरिया ऑफ बेस को जोड़ना है, लेकिन दो गुना करके जोड़ना है, दो गुना करके जोड़ना है, क्योंकि दो बेस है ना, ऊपर भी है और नीचे भी है। तो क्या है ये? 2 × πr² को ऐड कर, 2 × πr² को ऐड कर, 2 × πr² यानी 2πr² को ऐड कर। तो अल्टीमेटली क्या फॉर्मूला बनेगा? देखो 2πrh तो पहले ही था, 2πr² और जोड़ दिया। मुझे बताना जरा 2πrh और 2πr² में क्या कॉमन होगा? 2πr दोनों में कॉमन आ रहा है, यहां से बचता है h, वहां से बचता है एक r स्क्वायर है ना, तो एक r तो बाहर आ गया, एक r अंदर बच गया। तो फाइनल फॉर्मूला क्या है टीएसए ऑफ सिलेंडर का? 2πr × h+r, ठीक है। अब सपोज करो मैंने एक स्पेसिफिक क्वेश्चन मॉडिफाई करके बना दिया, ये बुक में भी होंगे, कि एक सिलेंडर है जिसका टॉप नहीं है, मतलब ढक्कन नहीं है ऊपर का, तो अब इसका टीएसए क्या होगा? अब इसका टीएसए में जो दो बेस ऐड कर रहा था, यानी 2 × πr² ऐड कर रहा था ना मैं, वो 2 × πr² नहीं ऐड करूंगा, क्या करूंगा केवल? तो ऐसे फॉर्मूले खूब सारे बनाने पड़ेंगे इस चैप्टर में, खुद को फिक्स फॉर्मूलों से काम नहीं चलेगा। अगर फिक्स फॉर्मूला से ही चलता तो ऐसे क्वेश्चन तो फिर नाइन्थ में ही आ गए, तो टेंथ में एक्स्ट्रा क्या होगा? ये एक्स्ट्रा होगा कि आपको हर एक चीज सोचनी पड़ेगी, हर क्वेश्चन में नए फॉर्मूले भी डेवलप होंगे, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूं फॉर्मूले डेवलप करना सीखो। तो सीएसए टीएसए दो हो गए, अब बात करते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का रामबाण फॉर्मूला याद है, कल बताया था, हाँ, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब बेस तो वही सर्किल है, इसका बेस पता होना चाहिए, सिलेंडर का बेस क्या है? सिलेंडर का बेस क्या है? सर्किल। सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू, किससे करूंगा मैं? हाइट से। पाई आर स्क्वायर इंटू एच क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हो गए सिलेंडर के तीनों फॉर्मूला। अब क्या आएगा सिलेंडर के बाद? कोण। क्या आएगा? कोण। नेक्स्ट हेडिंग डालिए कोण, और उसको क्या कह सकते हैं हम? वही राइट सर्कुलर कोन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो कोण में जो ये जनरल फॉर्मूलास हैं, जिसको अपन कहते हैं रामबाण फॉर्मूलास, वो काम कुछ हद तक करते हैं, कुछ हद तक नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये रामबाण फॉर्मूले वही काम करते हैं जब चीजें इवन चल रही हो। इवन का मतलब क्या होता है? समतल या बराबर चल रही हो। जहां पे छोटी बड़ी चीजें हो जाए वहां पे नहीं चलेगा। अब यहाँ पे छोटी बड़ी क्या हो रही है? देखो नीचे वाला जो बेस है वो तो फुल सर्किल है, ऊपर वाला जो बेस है वो फुल सर्किल नहीं है, एक पॉइंट है बस। कोन का शेप जानते हो ना, कोन आइसक्रीम खाते हैं हम, तो एक बेस तो उसका केवल एक पॉइंट है और एक बेस क्या है? उसका पूरा सर्किल है। सिलेंडर में दोनों बराबर थे तो चीजें बिल्कुल समतल इवन चल रही थी, अब चीजें अनइवन हो गई, अब छोटी बड़ी हो गई। यहाँ पे हाइट ये है, यहाँ पे ये डिस्टेंस ये है, फिर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इस तरीके से होता जा रहा है, तो अनइवन है। तो इसके फॉर्मूलाज कैसे डेवलप करें, तो मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप फॉर्मूले रटोगे, और तो कोई और तो क्या ही कह सकता हूं मैं ना, ठीक है।
तो पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट देखते हैं। अच्छा कोई बताएगा कोन का फॉर्मेशन किससे होता है? सोचो, स्क्वायर फाड़ो, एक स्क्वायर और कोण बना के दिखाओ। हाँ बताओ बताओ बताओ, मैं भी देखूं। ट्राइंगल, ट्राइंगल से हो जाएगा क्या? नहीं नहीं होगा, ट्राइंगल से भी नहीं होगा, ट्राइंगल से भी नहीं होगा। हाँ कोण बनाना है, राइट सर्कुलर कोण बनाना है। राइट सर्कुलर कोण का मतलब ये होता है, देखो राइट सर्कुलर कोन का मतलब ये होता है कि इसकी हाइट में और इसके बेस के रेडियस में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। नहीं, देखते हैं आपकी कितनी इमेजिनेशन है। ये चनाचोर गरम बेचने जा रही है जो बनाया, अब आपने बनाया, देखो आप एक बार फोल्ड करो वापस, जैसा भी आपने अभी फोल्ड किया था। हाँ, ऊपर सर्किल बन रहा है पूरा, ये पूरा सर्किल है, तूने भी चना जोर गर्म ही बनाया, नहीं बना ना। और जैसे अपन ने पहले रेक्टेंगुलर शीट से, जब अपन ने रेक्टेंगुलर शीट से उसको ऐसे पेस्ट किया था तो वो फुल सर्किल बन रहा था, परफेक्ट। परफेक्ट सर्किल का मतलब समझते हो ना, रेडियस हर जगह बराबर। अभी आप इससे बनाने की कोशिश कर रहे हो, स्क्वायर शीट से या रेक्टेंगुलर शीट से, तो जो सर्किल बन रहा है वो फुल नहीं बन पा रहा है, वो फुल नहीं बन पा रहा है, परफेक्ट सर्किल नहीं बन पा रहा है। दैट मींस उसका ट्रायंगल से बनाओ। चलो बनाओ, ट्रायंगल से भी नहीं बनेगा, कैसे बनाओ? ट्रायंगल से भी फुल परफेक्ट सर्किल नहीं बनेगा, और परफेक्ट सर्किल फिर उसके हाइट में और उसमें 90 डिग्री का एंगल भी बनना चाहिए। राइट सर्कुलर कोन बनाना है हमको। बोलो अनुष्का, बनाया नहीं कभी ये एक्टिविटीज बचपन में? नहीं करवाया कि स्कूल में किसी ने? हाँ हाँ बता क्या बना रहा था। इक्विलेटरल ट्रायंगल से भी नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। देखो ट्रायंगल ऐसे है, ये सपोज करो ये ट्रायंगल है, इधर देखो मेरी तरफ, ये ट्रायंगल है। अब आप ट्रायंगल के इस कोने को इस कोने से जब मिलाएंगे ऐसे, तो जो ऊपर वाला हिस्सा है ना वो खुला रह जाएगा, मतलब वो पैक नहीं होगा। और अगर आप पैक करोगे जानबूझ के तो नीचे वाला हिस्सा ओवरलैप होगा, एक दूसरे के ऊपर आएगा। बनाओ बनाओ बनाओ, बनाओ। ऐसे तो काटना कूटना नहीं है, हम क्या है नॉन वायलेंस पे बिलीव करते हैं। हाँ आपने क्या बनाया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया आपने ना। हाँ अब आपने देखो सोनाक्षी, जो आपने बनाया है आपका सर्किल, सर्किल नहीं बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा ना। देखो एच को एच से मिलाया, एच को एच से मिलाया लेकिन सर्किल नहीं बना। हाँ दीपेश का देखते हैं, सर्किल नहीं बना ना। और अगर आप फोर्सफुली उसको सर्किल बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर वो ओवरलैप होगा, ओवरलैप भी नहीं होना चाहिए ना, बिल्कुल एज से एज मिले। चलो देखो अब सुनो ध्यान से, सर्किल का एक क्वाड्रेंट लो, क्वाड्रेंट समझते हो, सेक्टर जो अपन कहते हैं, इससे बनेगा कोन। इसकी ये वाली एज देखो, ये वाली एज इधर देखो, ये वाली एज को इस वाली एज से मिलाओ, ऐसे करके इस वाली एज को इस वाली एज से मिलाओ। उससे क्या होगा, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है ये घूम के सर्किल बन जाएगा। ठीक है, तो ए कोन इज फॉर्म्ड बाय ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल। ठीक है जी, अब आप बताना जरा। हाँ अब हंसी मजाक नहीं, इधर देखो, इससे इस चीज से कोन बन गया ना। भी फॉर्मूला डेवलप करना सिखा रहा हूं मैं ना। तो देखो ये वाली चीज और ये वाली चीज क्वाड्रेंट में बराबर होती है,
आप सोचो ये और ये चीज उधर जाने के बाद कहां दिखाई दे रही है। स्लैंट हाइट, वेरी गुड, स्लैंट हाइट, यानी कि रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, ये रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट है, विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू व्हाट, स्लैंट हाइट ऑफ कोण। ये चीज समझ में आई? ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी चीजों की। ये तो बन गई इसकी स्लैंट हाइट। अब सुनिए, ये वाली जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वहां पे कहां दिखाई दे रहा है? ये वहां पे सर्कुलर बन चुका है भाई। ये वाली एज इस वाली एज से टकरा के पेस्ट हो जाएगी, तो ये वाली चीज पूरी कंप्लीट हो जाएगी, सर्किल बन जाएगी, बनेगी नहीं बनेगी? तो ये वाली जो, ये वाला जो हिस्सा कह लो या ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट अब सर्किल बन चुका है। मतलब मैं ये कह सकता हूं ये जो लंबाई है ये अब सर्किल का सरकमफेरेंस बन चुकी है ना। अब ये लंबाई कैसे निकालेंगे? मान लो ये फुल सर्किल होता, मान लो ये फुल सर्किल होता, तो फुल सर्किल की लंबाई क्या होती? 2πr सरकमफेरेंस। लेकिन ये इसका एक चौथाई तो हिस्सा है, ये तो इसका एक चौथाई हिस्सा है, तो डिवाइडेड बाय 4, तो एक तरीके से पाई आर बाय 2, यानी कि इस सर्किल, अब मैं इसको कैपिटल आर कह देता हूं, इस सर्किल की रेडियस को मैं कैपिटल आर कह देता हूं, यानी इस सर्किल में जो ये पाई कैपिटल आर बाय 2 है, ये जो लंबाई है वो उस कोण के अंदर 2 पाई आर के बराबर है, क्योंकि उधर जाके वो फुल सर्किल बन चुकी है। फुल सर्किल मतलब वही 2 पाई आर। ये आर तो इसका रेडियस है और ये कैपिटल आर इस क्वाड, इस मतलब क्वाड्रेंट का रेडियस है एक तरीके से मैं कह सकता हूं, और ये जो रेडियस है वो तो स्लेंट हाइट बन चुकी है, तो मैं इस आर को भी एच से रिप्लेस कर सकता हूं। बोलो, एच नहीं, एल बोलते हैं स्लेंट हाइट को, क्या बोलते हैं हम लोग? एल। तो मैं इस आर को किससे रिप्लेस कर सकता हूं? L से। अब आप मुझे बताएं इस R की वैल्यू, इस R की वैल्यू बताएं। बोलो, पाए से पाए गया, R की वैल्यू बोलो, ये 2 इधर आ जाएगा ना, यानी L बाय 4, ये 2 इधर आ जाएगा ना, L बाय 4। इसका मतलब है कि ये जो रेडियस बनेगा, इसका जो रेडियस बनेगा वो इसकी स्लेंट हाइट का कैसा बनेगा? एक चौथाई बनेगा, या मैं यूं कह सकता हूं इसकी रेडियस का एक चौथाई बना। भाई इसकी रेडियस और इसकी स्लेंट हाइट तो एग्जैक्टली बराबर है, तो मैं कह सकता हूं कि इसकी रेडियस, इस कोण की रेडियस, इस क्वाड्रेंट की रेडियस का एक चौथाई बनेगा, यूं भी कह सकता हूं, या मैं यूं भी कह सकता हूं इस कोण की रेडियस इसी कोण की स्लेंट हाइट का एक चौथाई है, वो भी कह सकता हूं, क्योंकि इसकी स्लेंट हाइट उसके रेडियस के एग्जैक्टली बराबर है। अब बात करते हैं हम लोग किसकी? सीएसए की। सीएसए का मतलब क्या होता है? कौन कहां पे होता है, मतलब एक ऑब्जेक्ट के अंदर सीएसए कहां होता है? जैसे मान लो एक कोण है हमारे पास, तो कोण के अंदर सीएसए कौन सा एरिया होगा? ये घुमावदार एरिया, बेस को छोड़ दो, और जो ये घुमावदार, ऐसे ये घुमावदार एरिया दिख रहा है, ये घुमावदार एरिया दिख रहा है, मतलब जैसे सपोज करो हम आइसक्रीम कोन खा रहे हैं, तो आइसक्रीम कोन के ये वाला एरिया जो दिख रहा है ये इसका सीएसए है, ये इसका सीएसए। आप खुद सोचो ये वाला एरिया ही तो सीएसए में ट्रांसफॉर्म होगा। इसको जब मैं घुमा के ऐसे बना दूंगा तो जो इसका ये वाला एरिया है, जो इसका ये वाला एरिया, देखो आपको मैं एक इलस्ट्रेशन कर सकता हूं कि आप जब इस तरह का क्वाड्रेंट उठाएं तो उसको मान लो आपने रेड कलर कर दिया, इसको क्या कर दिया आपने, और फिर जब आप इससे कोण बनाएंगे ना तो वो रेड कलर कहां दिखाई देगा? वो उसके सीएसए में दिखाई देगा। वो कहां दिखाई देगा? उसके। दैट मींस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू सीएसए, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू सीएसए। क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है? पूरे सर्किल के एरिया का 1/4 है ना, यानी पाई आर, पाई कैपिटल आर कह सकता हूं, और कैपिटल आर एच के इसके एल के बराबर है, तो पाई एल स्क्वायर बाई 4, पाई एल स्क्वायर बाई 4, ठीक है। और स्लेंट हाइट किसके बराबर है? आप यहां पे देखो, स्लेंट हाइट किसके बराबर, देखो इसको मैं ऐसे ब्रेक करता हूं, पाई इंटू एल इंटू एल, एल स्क्वायर को मैंने दो बार में ब्रेक कर दिया, पाई इंटू एल बाई 4, ठीक है। अब देखो एक एल को मैं यहां से, मैं एल को मैं 4R लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? 4R, तो मैं एक एल को 4R लिख रहा हूं, तो पाई इंटू एक एल को मैंने क्या लिख दिया? 4R, और एक एल को मैंने एल ही रहने दिया, डिवाइडेड बाई 4R, सॉरी है ना, ठीक है। तो 4 से 4 कटा,
तो सी एस ए ऑफ कौन मिला, पाई आर एल, ये याद किया है बचपन से, मतलब नाइन्थ क्लास से, कि सी एस ए ऑफ कौन क्या होता है, पाई आर एल, एक्चुअली यहां से डेवलप हुआ है, समझ में आया तो अच्छी बात है, रट लेना, ठीक है, क्लियर है, कैसे डेवलप हुआ, इसका जो सी एस ए है वो एक्चुअली क्वाड्रेंट का एरिया है, तो क्वाड्रेंट के एरिया को, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट को सी एस ए मान लिया और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट को खोल के रख दिया, तो वहां से पाई आर एल मिल गया, ठीक है, समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बुरी बात नहीं है, और अगर किसी को जिज्ञासा है समझने की तो आ जाना हवेली पे, ठीक है, क्यों मैंने कब मना किया आपको, कभी मैंने किसी स्टूडेंट को मना नहीं किया, अगर मैं फ्री नहीं हूं तो मैं टाइम देता हूं, उस टाइम पे आ जाओ, हो सकता है कि आपने कॉल किया उस टाइम में फ्री नहीं हूं, लेकिन मैं ऐसे थोड़ा कहता हूं मैं फ्री नहीं हूं भाई, मत आओ, मैं ऐसे कहता हूं भाई अभी फ्री नहीं हूं, इस टाइम पे आ जाओ, हाँ, ए कोन इज ए सिलेंडर, सुनो भाई कोन की ये वाली डेफिनेशन याद करोगे ना तो उसके फॉर्मूलास भी याद हो जाएंगे, कोन एक ऐसा सिलेंडर है जिसके पास दो नहीं एक ही बेस है, एक ही सर्कुलर बेस है, भाई सिलेंडर में दो थे ना, इसमें क्या है एक ही सर्कुलर बेस है, तो दूसरी जगह क्या है भाई, ये देखो ये बेस इसमें भी था तो ये बेस तो इसमें भी है, बट उसमें एक और बेस था, उस बेस की जगह इसके पास केवल एक पॉइंट है, क्या है पॉइंट है, अच्छा ये जो पॉइंट है मैं कह सकता हूं कि ये पॉइंट भी एक सर्किल है जिसका रेडियस जीरो है, नहीं समझ आया, सपोज करो मैंने कहा निशिता एक सर्किल बनाओ 5 सेंटीमीटर रेडियस का, आपने बना दिया, ठीक है, मैंने कहा 1 सेंटीमीटर कम कर दो इसका, तो आपने छोटा सर्कल बना दिया 4 सेंटीमीटर का, मैंने कहा एक और कम कर दो 3 का, मैंने कहा एक और कम कर दो 2 का, फिर एक और कम कर दो 1 सेंटीमीटर का, मैंने कहा एक और कम कर दो, तो 0 सेंटीमीटर का जो सर्किल बनेगा वो एक पॉइंट बनेगा, नहीं बनेगा, तो पॉइंट इज ऑल्सो ए सर्किल ऑफ रेडियस 0 सेंटीमीटर, तो एक्चुअली कोण के अंदर भी दो बेस हैं, एक सर्कुलर बेस यहां है एक सर्कुलर बेस वहां है, बट उस सर्कुलर बेस का रेडियस जीरो है, जीरो है तो वो एक पॉइंट के बराबर है ओनली, क्लियर, ठीक है, तो सिलेंडर से कोण ऐसे बन गया, अब ये फिगर ड्रॉ कर लो, यहां तक ड्रॉ कर लो एक बार, फिर आगे का समझते हैं, अब फॉर्मूला समझने बस और कुछ नहीं, बेटा कोई नहीं समझाएगा ऐसे इलस्ट्रेशंस कर करके, सब फॉर्मूले रटवाते हैं, हजारों रुपए बच्चे खर्च करते हैं बायजूस की इधर उधर की क्लासेस में, तब जाके इलस्ट्रेशन समझ में आते हैं, यहां ले रहे हो आप फ्री के मजे, यहां लिख देता हूं, फिर तो ओनली वन सर्क्यूलर बेस, और सिलेंडर से आप इसी तरीके से फिगर बनाओ ताकि आप जब भी रिवीजन करो तो आपको समझ में आए कि ये सिलेंडर था और सिलेंडर से कोन कैसे बना, एक बेस उड़ा दिया हमने, कोई भी उड़ा सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऊपर वाला उड़ाओ, नीचे वाला भी उड़ा सकते हो, है ना, ठीक है, ऊपर वाला उड़ाया तो कुछ ऐसा कोन बना, नीचे वाला उड़ाओगे तो कुछ ऐसा कोन बनेगा, दोनों है तो कोन ही, ठीक है ना, ये आइसक्रीम कोन है और ये क्या है, एग्जाम्पल दो कोई, बर्थडे कैप है, सही है बिल्कुल, बर्थडे कैप ऐसे फ्रस्ट्रम होती है, इस तरह की भी बन जाती है, लेकिन जनरली ऊपर वाला जो पॉइंट नहीं रहता, ऊपर भी एक सर्किल ही रहता है बर्थडे कैप में, चलो ये देखो, ये तो वो वाली कैप है जो ऊपर वाली, सही है, ये सही कह रहा है, सही कह रहा है, ये कैप है, जोकर कैप है, सही कह रहा है ये, बट ये कोन नहीं है ना, ये जो अभी मैंने कैप दिखाई ये कोन नहीं है, इसको बोलते हैं फ्रस्ट्रम, हाँ तो सही कह रहे हो आप, वो कॉनिकल शेप में भी हो सकती है कैप, जैसा भी आपने देखा, और उसको पूरा फिर डिटेल में जब आएगा तब बताएंगे ना, अभी जल्दीबाजी नहीं करते, हाँ जी यहां तक ड्रॉ हो गया, ओके, तो इन शॉर्ट आई कैन से सिलेंडर में से एक बेस माइनस किया तो कौन मिला, यस और नो, सिलेंडर माइनस वन ऑफ इट्स बेस, कोई सा भी एक बेस माइनस कर दो, ऊपर वाला या नीचे वाला, तो क्या मिल गया, कौन मिल गया,
अब इस कॉनिकल जो ये कॉनिकल शेप बना हुआ है इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं. हेयर ट्रायंगल एओबी इज ए राइट ट्रायंगल. अब इसको राइट सर्कुलर कोन क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल बनना चाहिए हर हाल में. ये चीज जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये हर हाल में क्या होनी चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि इसके रेडियस में और हाइट में 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होना चाहिए. तो ट्रायंगल एओबी, एओबी इज ए राइट ट्रायंगल, राइट एंगल डेट ओ, कौन से वर्टेक्स पे राइट एंगल बना दिया, ओ पे राइट एंगल बना दिया. सो अब मुझे बताओ एबी कैसे निकालेंगे, तो आप देख सकते हो यहां पे अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो एबी विल बी हाइपोटेन्यूस. हाइपोटेन्यूस की लंबाई कैसे निकालते हैं, बची हुई दो साइड की लंबाई का स्क्वायर करके जोड़ के और स्क्वायर रूट करते हैं. तो मैं इसका स्क्वायर करके जोड़ूंगा और जोड़ के क्या करूंगा, रूट करूंगा. ये क्या है, ये तो हाइट है, ये क्या है, ये तो रेडियस है. दैट मीन्स स्लेंट हाइट कैसे निकलेगी, हाइट का स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर जोड़ेंगे और फिर क्या कर देंगे, होल रूट कर देंगे. तो यहां से स्लेंट हाइट का फॉर्मूला डेवलप हुआ है. सो ए बी विल बी इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर का होल रूट. ए बी क्या है, ए बी तो स्लेंट हाइट है, ए ओ क्या है, ए ओ हाइट है, और बी ओ क्या है, बी ओ रेडियस है. तो यहां से फॉर्मूला डेवलप हो गया स्लेंट हाइट का. स्लेंट हाइट इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर का होल रूट. ठीक है, हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर का होल रूट. कुछ चीज समझ में नहीं आया तो पूछना. अब इसको इसके लेटर नोटेशन पे चलते हैं. स्लेंट हाइट को कौन सा लेटर मिला हुआ है, एल, हाइट को एच और रेडियस को आर. तो एल की वैल्यू क्या हो गई, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट. अब देखने में तो ये एक फॉर्मूला है लेकिन यहां से तीन फॉर्मूले क्रिएट हो सकते हैं. भाई अगर स्लेंट हाइट पूछ ले तो हाइट का स्क्वायर और रेडियस का स्क्वायर जोड़ के रूट करोगे. बट ऐसा भी तो हो सकता है कि स्लेंट हाइट पूछे ना दे दे और पूछ ये ले, ये भी तो हो सकता है ना. तो मुझे बताओ अगर हाइट निकालनी हो इसी फॉर्मूला से डेवलप करो वो दूसरा फॉर्मूला. तो हाइट निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला कैसे डेवलप करोगे, एच इक्वल्स टू, अब ये गिवन है ना, तो जो गिवन है उसमें से बचे हुए को माइनस करेंगे और वही होल रूट. भाई ये स्लेंट हाइट सबसे बड़ी है तो अगर ये खुद गिवन है तो इसमें से दूसरी चीजें घटेंगी. ठीक है, अब सपोज करो आर निकालना है तो स्लेंट हाइट गिवन है ना, तो इसमें से बची हुई चीज कौन सी है, भाई आर तो निकाल रहे हैं तो एच बच गया इसका रूट. तो एक्चुअली ये एक दो तीन फॉर्मूले हैं, कुल मिला के तीन में से कोई भी दो चीजें देके तीसरी चीज वो पूछ सकता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. ठीक है, क्लियर है. तो अभी मैं फॉर्मूला वाले एक ही नोट करो आप, लेकिन एक्चुअली तीन फॉर्मूले बनते हैं यहाँ पे, है ना. अब चलते हैं वही CSA, TSA और वॉल्यूम. तो CSA मैं डायरेक्ट इसलिए लिखा है क्योंकि इसका इलस्ट्रेशन यहाँ पे करना पॉसिबल नहीं है, मैंने छोटा मोटा करके बताया. फिर भी ना समझ में आया तो कभी भी इच्छा हो समझने की तो आ जाना, बिल्कुल अकेले बैठ के तबियत से समझा देंगे. नहीं तो अभी डायरेक्ट लिख लो CSA ऑफ कौन क्या होता है, पाई आर एल. यहाँ पे रामबाण फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि चीजें अन ईवन है, ईवन है ही नहीं, तो वहां पे वो डेरिवेशन चलेगा जो अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया, पाई आर एल. अच्छा TSA में तो चल सकता है रामबाण फॉर्मूला. TSA हमेशा क्या होता है, CSA तो होता ही है, बेस का एरिया और जुड़ जाएगा. तो CSA क्या है इसका, पाई आर एल, और बेस इसका एक ही है, दो नहीं है. जैसे सिलेंडर में 2 into पाई आर स्क्वायर जोड़ रहे थे, इसमें 2 into पाई आर स्क्वायर नहीं जोड़ेंगे, केवल सिंगल पाई आर स्क्वायर जोड़ेंगे. तो पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर जोड़ दो, पाई आर एल में क्या जोड़ दो, पाई आर स्क्वायर जोड़ दो. यहां से पाई आर और पाई आर कॉमन, बचता क्या है, एल प्लस आर. तो ये फाइनल फॉर्मूला है TSA ऑफ कौन का, पाई आर इंटू एल प्लस आर. पाई आर इंटू ब्रैकेट में एल प्लस आर. ठीक है, अब वॉल्यूम का फॉर्मूला कैसे याद रखें इसका. तो वॉल्यूम के लिए एक लॉजिक याद रखना आप, कि आपने अगर कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, और उस उतने ही बेस का, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट में बेस होगा सर्कुलर बेस होगा ना, उतने ही बेस का अगर कॉनिकल ऑब्जेक्ट भी ले लिया तो इस कोण में और उस सिलेंडर में हमेशा 1:3 का रेशियो होता है, सॉरी 3:1, ये बड़ा होगा सिलेंडर बड़ा होगा और वो मतलब कुल मिला के वो एक तिहाई होता है. तो सीधा सीधा फंडा है कि सिलेंडर के वॉल्यूम का एक तिहाई. सिलेंडर का वॉल्यूम क्या था, पाई आर स्क्वायर एच, उसका 1/3 कर दो, उसका क्या कर दो, 1/3 कर दो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच.
ठीक है। एक बार क्वेश्चन आया था कि एक सिलेंड्रिकल बकेट है, उसमें उतने ही सर्कुलर बेस का एक कॉनिकल ऑब्जेक्ट पानी से भरा हुआ है, वो बकेट पूरा है ना, फुल ब्रिम तक, ब्रिम मतलब किनारे तक वो पानी से भरा हुआ है, उसमें उतने ही सर्कुलर बेस का एक कॉनिकल ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया, ऑब्वियसली पानी बाहर आएगा, तो कितना पानी बाहर आएगा, तो जो टोटल पानी था उसका 1/3 पानी बाहर आएगा, क्योंकि 1/3 ऑब्जेक्ट अंदर गया है ना, इसका वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 है ना, तो 1/3 अंदर गया है तो 1/3 पानी बाहर आएगा। सपोज करो 300 लीटर पानी था तो 100 लीटर बाहर आ जाएगा 1/3, ठीक है, क्लियर है। तो आप कनेक्शन याद रखो, सिलेंडर के वॉल्यूम में और कोन के वॉल्यूम का कनेक्शन है 3:1 का, सिलेंडर का 3 और कोन का 1, तो कोन का वॉल्यूम जब भी पूछे सिलेंडर के फॉर्मूले में 1/3 लगा दो, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट? ठीक है, तो कोन कंप्लीट हो गया हमारा। हाँ हेलो, हाँ गायत्री वर्मा, हाँ गायत्री वर्मा माइक ऑफ करो, क्लास 9th में है ना गायत्री वर्मा, पता ही नहीं है। ओके, तो सिलेंडर एंड कोन, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे, स्फीयर, हेडिंग डालो, क्या खतरा है इसमें, क्या खतरा है बता, फुटबॉल की तरह लग रहा है, ठीक है, हाँ ठीक है, फॉर्मेशन सुनो, बताएं नहीं, देखो इमेजिन करो, देखो एक सर्किल है मेरे पास ऐसे, ठीक है, एक सर्किल है ऐसे और एक सर्किल मैंने इसके परपेंडिकुलर ऐसे लगा दिया, एक सर्किल यूं लगा दिया, एक सर्किल ऑलरेडी ऐसे था, उतने ही रेडियस का सर्किल मैंने यूं लगा दिया, फिर उतने ही सर्किल का रेडियस मैंने यूं भी लगा दिया, फिर यूं भी लगा दिया, तो उससे जो सरफेस रेडी हो रहा है वो स्फीयर होता है, समझ में आ गई बात, ठीक है ना। एग्जांपल है, कोई भी बॉल ले लो, क्या चूड़ी से आप कर सकते हो ऐसा फॉर्मेशन कर सकते हो, एक चूड़ी ऐसे ले ली, फिर एक चूड़ी को ऐसे फंसा दिया, फिर डायगनली फंसा दिया, फिर डायगनल फंसे, तो उससे बॉल तैयार हो जाएगी, हाँ वो फंसने वाली आपको लेनी पड़ती, सेम अगर चूड़ी है ना सेम रेडियस की तो फंसे, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल, स्फीयर का एग्जाम्पल कोई भी बॉल ले लो, बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, सब स्फीयर ही है, और इवन हम जिस अर्थ पे रहते हैं वो भी स्फेरिकल शेप में ही है, हालांकि परफेक्ट नहीं है क्योंकि कहीं ऊपर है कहीं नीचे है, अर्थ बिल्कुल परफेक्ट स्फीयर तो नहीं है। अच्छा ग्लोब, ग्लोब देखा होगा आपने डेस्क पे रखा रहता है, वो भी एक परफेक्ट स्फीयर है, तो स्फीयर तो आसान है, समझ में आ गया होगा ना। स्फीयर के बाद, स्फीयर के पास डायमेंशन के नाम पे एक ही चीज है, वो है रेडियस, हालांकि है ये थ्री डायमेंशनल, है स्फीयर भी क्या थ्री डायमेंशनल, लेकिन इसके तीनों डायमेंशन रेडियस है, आर आर आर, ठीक है ना, है थ्री, ऐसे मत सोचना कि वन डायमेंशनल है, भाई एक ही चीज है तो वन है, थ्री डायमेंशनल लेकिन तीनों सेम है, आर आर आर, जैसे LBH किया था हमने, फिर LBH को सेम कर दिया था ना, ए ए क्यूब में आते ही, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना था भाई क्यूब वन डायमेंशनल है, तो वो भी थ्री डायमेंशनल है, उसके तीनों डायमेंशन ए है, ए ए ए। सिमिलरली इसके पास कोई स्लेंट हाइट नहीं है, कोई हाइट नहीं है, इसके पास एक ही चीज है आर, और है थ्री डायमेंशन, तो तीनों डायमेंशन आर है, आर आर और आर, ठीक है, क्लियर है। तो इसके फॉर्मूले की बात करेंगे, अब देखिए आप इमेजिन करो एक कोई भी बॉल को इमेजिन करो, तो बॉल का जो एरिया दिख रहा है, सरफेस का एरिया दिख रहा है, ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया जो दिख रहा है और दीवारों का एरिया दिख रहा है वो सेम है या नहीं है, सोचो, पता है क्यों, क्योंकि एक परफेक्ट स्फीयर पता है क्या होता है, एक परफेक्ट स्फीयर वो होता है जिसको जब आप जमीन पे रखो तो उसका और जमीन का जो स्पर्श है वो केवल एक सिंगल पॉइंट पे हो, वो होता है परफेक्ट स्फीयर, ठीक है, उसको जब मैं फ्लोर पे रखूं तो फ्लोर पे वो केवल एक पॉइंट पे टिका हुआ हो, वो होता है परफेक्ट स्फीयर, ठीक है ना, तो देखा जाए तो उसका जो बेस है जिस पे वो टिका हुआ है तो पॉइंट है, और ऊपर भी पॉइंट है नीचे भी पॉइंट है, तो जो उसके दीवारों का एरिया है वही उसका टोटल एरिया है, क्योंकि नीचे ऊपर तो कोई बेस ही नहीं है, सिलेंडर में नीचे ऊपर दो बेस थे, कोन में एक ही था, तो सिलेंडर और कोन में TSA CSA अलग अलग थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नीचे ऊपर दोनों जगह ही पॉइंट है, तो एक तरीके से बेस है ही नहीं इसके पास, जो है इसके पास CSA ही है, तो CSA को ही TSA
कहते हैं, इसीलिए इसका दो फॉर्मूले नहीं है, इसमें केवल एक ही फॉर्मूला चलता है, दैट इज सरफेस एरिया। फिर चाहे से उस सरफेस एरिया को आप कर्व्ड सरफेस एरिया कहो, चाहे से उसको टोटल सरफेस एरिया कहो, और याद करने के लिए मैं बता देता हूं सर्किल के एरिया का चार गुना। क्योंकि देखो आप ऐसे इमेजिन कर लिया करो कि एक सर्किल यहाँ फंसा है, 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 और जो सर्फेस तैयार हुआ वो हमारा स्फीयर बन गया। ठीक है, सर्किल का एरिया क्या होता है, चार गुना करेंगे तो 4πr², इज दैट क्लियर। अब वॉल्यूम का इलस्ट्रेशन अभी ना ही समझो तो बढ़िया है, आप डायरेक्ट लिखो, जिसको समझना है फिर बाद में समझना, ठीक है। वॉल्यूम याद ही करो तो ही अच्छा है, 4π3πr³। हाँ, 4π3πr³। स्फीयर के फॉर्मूले याद है ना बेटा, तो हेमिस्फीयर के तो यूं ही याद हो जाएंगे, जो इसके अगला ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल इसी का भाई है, बस आधे आधे होंगे या कुछ हल्का फुल्का जुड़ेगा, कम होगा ना, ठीक है। हाँ जुड़ेगा भी, सही, अभी बताएंगे क्यों जुड़ेगा, इसका लॉजिक कल दिया था मैंने, जब चीजों को आधा करते हैं तो एक सरफेस बढ़ जाता है ना, तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। हाँ जी देखो, तो वॉल्यूम लिख लिया आपने 4π3πr³, ठीक है। हाइट ऑफ स्फीयर, अब सुनो, आप कहोगे कि सर आपने तो कहा हाइट होती नहीं है, हाइट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज हाइट, किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होती है, वो ऑब्जेक्ट जमीन को जहां टच कर रहा है और उस ऑब्जेक्ट का जो टॉप वाला पॉइंट है उसके बीच की दूरी। जैसे मैंने कह लिया आपकी हाइट बताओ, तो आपकी हाइट आप कैसे नापोगे, आपके पैरों से लेके आपके टॉप तक बिल्कुल जो परपेंडिकुलर दूरी होगी, जमीन से परपेंडिकुलर जो लाइन खींचने में आएगी वही आपकी हाइट होगी, होगी। तो मैंने फुटबॉल को रख दिया जमीन पे और मैंने कहा इस फुटबॉल की हाइट बताओ, दैट मींस फुटबॉल नीचे से और ऊपर तक कितनी डिस्टेंस परपेंडिकुलरली कवर कर रही है। तो मैं यूं कह सकता हूं वो जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो तो उसकी डायमीटर है या नहीं है। कैसे, देखो ये रेडियस है इसका स्फीयर का, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और स्फीयर में तो हर जगह रेडियस ही रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी हर चीज रेडियस है, क्योंकि मैंने क्या कहा इसके पास ले देके एक ही चीज है रेडियस, इसकी जीवन भर की कमाई एक ही है रेडियस, और कुछ नहीं कमाया इसने जिंदगी में, ठीक है। अब मैंने कहा इसकी हाइट, तो हाइट मतलब ये मान लो जमीन पे टिकी हुई है और ये इसका टॉप पीक पॉइंट आ रहा है, तो इसके बीच की दूरी इसकी हाइट होगी। तो आप इमेजिन करो ये चीज इसके बराबर होगी और ये r और r मिलके 2r होगा, दैट मींस डायमीटर, रेडियस का दोगुना डायमीटर होता है। तो अगर वैसे इसकी हाइट होती नहीं है, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में हाइट का जिक्र किया गया है तो वो और कुछ नहीं है, उसकी डायमीटर है 2r। लिखो हाइट ऑफ स्फीयर इक्वल टू 2r, क्लियर। लास्ट हेमिस्फीयर, जल्दी से बनाओ, आधा स्फीयर, क्या कह रहा है, आधा स्फीयर कटोरा, अभी पढ़ लो नहीं तो फिर बहुत जल्दी हाथ में आ जाएगा, ठीक है। अभी इस कटोरे को नहीं पढ़ा, अभी इस कटोरे की इज्जत नहीं करी तो बाद में फिर इसी की इज्जत करनी पड़ेगी जिंदगी भर, ठीक है ना। ओके, हेमिस्फीयर क्या हुआ, क्यों हंसी आ रही है, ऐसा नहीं कह रहा हूं भी कटोरा लेके आपको कहीं जाना पड़ेगा, है मीनिंग। हाँ नहीं देखा आपने कभी, ओके चलो देखो देखो देखो, तो ये एक हेमिस्फीयर है, ये पहले पूरा ऐसा स्फीयर था, किसी जमाने में ये पूरा स्फीयर था, फिर इसको एक चाकू उठाया और बीच में से काट दिया मुझे समझ नहीं आता इतनी हंसी क्यों आती है, मतलब इंटरेस्टिंग तरीके से ना पढ़ाऊं, बिल्कुल जैसे वो पढ़ाते हैं स्कूल लेवल पे, बेटा ये हेमिस्फीयर है लिखो जल्दी से, इस तरीके से पढ़ाऊं, तो फिर हंसने की क्या बात है। अच्छा एग्जाम्पल ले लो कोई भी ऐसी चीज, जैसे कि एप्पल, एप्पल ले लो, एप्पल, एप्पल ले लो या नींबू ले लो, उसको बीच में से काटेंगे तो जो दो टुकड़े बने वो एक हेमिस्फीयर बना और एक ये हेमिस्फीयर बना, क्लियर, समझ में आया। लोटा तो ऑलरेडी कटा हुआ है ना, चलो देखो इधर देखो, हाँ तो ये बन गया हेमिस्फीयर। तो देखो
ये इसकी रेडियस है, उस स्फीयर में भी यही रेडियस थी और ये रेडियस थी, उसमें चार तरह की रेडियस इस तरीके से दिखाई दे रही थी, एक इधर और एक इधर दिखाई दे रही थी। जो ऊपर वाली तो खत्म हो गई, मतलब आधा कट चुका है, तो मैं हेमिस्फीयर में कह सकता हूं कि ये रेडियस, और अगर मैं इधर भी ड्रॉ करूं तो ये भी रेडियस हो जाएगी और ये भी रेडियस हो जाएगी। ध्यान से देखो, कोई इसकी हाइट पूछ ले तो क्या लिखोगे, इसकी हाइट यहां से लेके यहां तक है बस, तो इसकी हाइट क्या है, ओनली रेडियस, रेडियस ही इसकी हाइट है। स्पीयर की हाइट क्या थी, रेडियस का दुगना यानी डायमीटर, स्पीयर की हाइट क्या थी, उसी स्पीयर की डायमीटर उसकी हाइट है, और हेमिस्फीयर की हाइट क्या है, इसी हेमिस्फीयर की रेडियस इसकी हाइट है। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट? अब कोई कहेगा सर मैं तो ऐसे रखूं, मैं इस बेस पे रखूं तो हाइट ये हो जाएगी, रख ही नहीं पाओगे ना, टिकेगा क्या वो, नहीं टिक सकता ना। तो या तो उल्टा रखोगे या सीधा रखोगे, हर हाल में हाइट यही मानी जाएगी, हर हाल में हाइट क्या मानी जाएगी, रेडियस। ठीक है, ये लिख बना लिया फिगर, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इस फिगर के अकॉर्डिंग क्या है, या तो ओ ए लिख लो या ओ बी लिख लो, हालांकि इधर केवल मैंने ओ ए लिखा है पर आप ओ बी भी लिख सकते हो रेडियस। और हाइट क्या है, हाइट ओ बी है और वो भी आर है, दैट मीन्स रेडियस भी आर और हाइट भी आर, दोनों आर। अब बात करते हैं तीन फॉर्मूला की, शुरू करें। जब चैप्टर स्टार्ट किया था कल, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि वॉल्यूम में सीधा सीधा फंडा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आधा कर दें तो वॉल्यूम भी आधा, किसी ऑब्जेक्ट को 1/4 कर दें तो वॉल्यूम भी 1/4, जोड़ दें दुगना कर दें तो वॉल्यूम भी दुगना, तो वॉल्यूम में तो दिक्कत ही नहीं है ना। तो पूरे स्फीयर का वॉल्यूम क्या था, 4/3 πr³। अभी ये आधा स्फीयर है, हेमिस्फीयर है, हेमी याद ना हो तो सेमी याद रख लिया करो, सेमी मतलब आधा होता है ना, सेमी स्फीयर भी कह सकते हो आप, वो भी करेक्ट है, हेमिस्फीयर या सेमी स्फीयर। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम पूरे स्फीयर के वॉल्यूम का आधा होगा या नहीं होगा, पूरे स्फीयर का वॉल्यूम क्या याद किया अभी अभी आपने, स्क्वायर, वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक होगा ना, 4/3 πr³, और इसका आधा करना है, आधा मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, आधे का मतलब क्या होता है, हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 2 से 1, 2 से 2 टाइम क्या बचा, 2/3 πr³। तो ये है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 1/2 × वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 1/2 × वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सॉल्व करने के बाद मिला 2/3 πr³। हो गया यहां तक, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला वॉल्यूम हो गया, अब सीएसए टीएसए की बात करते हैं, सीएसए की बात करूंगा मैं। अब सुनना ध्यान से, पूरा नींबू मान लो, पूरा लेमन था मेरे पास, उसके जो मेरे को सरफेस दिखाई दे रहा है चारों तरफ से, उसका एरिया कितना है, 4πr² सीखा ना अभी हमने, क्या है उसका स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या, दो या कर्व सेम ही होता है उसमें, 4πr². अब उस पूरे ऐसे मान लो, उसको मैंने आधा काट दिया, तो आधा काट दिया तो जो कर्व्ड चीज है वो नीचे वाली दिखाई दे रही है, वो कर्व्ड चीज ऊपर भी थी, ऊपर वाली तो हट गई, यानी 4πr² में से एग्जैक्टली आधी हट गई, तो 2πr² तो ये रह गई, लेकिन ये बढ़ भी तो गई, नहीं समझे भाई। मुझे एक चीज बताओ, मैंने आपको कहा कि एक नींबू लो, उस नींबू को पेंट करना है, तो पूरे नींबू को पेंट करोगे तो उसके बाहर से कर दोगे, मैंने कहा इसको काटो, काटने के बाद पेंट करो, और पेंट ऐसे करना कि कोई भी सरफेस बचे ना, तो काटने के बाद तो उल्टा ज्यादा पेंट करना पड़ रहा है आपको, क्योंकि काटने के बाद जो ये सरफेस क्रिएट हो गया इसको भी पेंट करोगे, ठीक है। तो हेमिस्फीयर का सीएसए टीएसए अलग अलग होता है, केवल स्फीयर का ही टीएसए सीएसए सेम होता है, स्फीयर का टीएसए सीएसए सेम था 4πr², बट हेमिस्फीयर का सीएसए कहूंगा तो सीएसए तो वो घुमावदार एरिया जो आधा हो चुका है, यानी 2πr² हो चुका है, लेकिन टीएसए अगर कहूंगा, टीएसए मतलब टोटल कहूंगा, तो वो सीएसए तो आएगा ही आएगा। अब बेस भी है इसके पास, बेस का एरिया जुड़ेगा, बेस सर्कुलर है, सर्कल मतलब वही πr², तो 2πr² दीवारों में था मतलब कर्व्ड में था, और बेस में πr² और मिला, तो 2 और 2+1 कितना हो गया, 3πr² इसका टोटल सरफेस एरिया होगा। तो सीएसए तो लिखना है हमको 2πr² और टीएसए लिखना है 3πr², नोट करो भाई। सीएसए निकालने के लिए तो स्फीयर के सरफेस एरिया का आधा कर दिया मैंने, तो 4πr² का आधा करते क्या मिल गया, 2πr².
लेकिन टी ए से निकालने के लिए हमने क्या किया, सी ए से जो निकला हुआ है 2πr² उसमें एक बेस का एरिया जुड़ जाएगा। आ जाओ बैठो, एक बेस का एरिया जोड़ देंगे तो बेस सर्किल है, सर्किल का एरिया यानी πr² और जुड़ जाएगा, तो 2πr² में 1πr² जुड़ा तो कितना πr² हुआ, 3πr². तो हेमिस्फीयर का सी ए से टी ए से अलग अलग है भाई, ठीक है ना। सी ए से कितना है 2πr², टी ए से कितना है 3πr², और स्पीयर का सी ए से टी ए से सेम था, कितना था 4πr². ठीक है, अब क्या बचा, हो गया। इसके फॉर्मूला नहीं है यहाँ पे, अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि लास्ट ईयर कट गया था, अभी थोड़ा कटा है किसी के, पूरा है। तो फ्रस्ट्रम फिर कल ही देखेंगे, फ्रस्ट्रम कल देखेंगे, है ना। फ्रस्ट्रम कल आधे घंटे में, आधे घंटा भी नहीं, 15-20 मिनट में देखे, फिर एक्सरसाइज भी कल ही शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।